सेक्सुअल वीकनेस होती है या आपको मर्दाना ताकत या असाबी कमजोरी या बेउलादी जैसे जब मसाइल होते हैं तो मेल इनफर्टिलिटी के अंदर मेथिकोबाल इंजेक्शन का क्या रोल है, नेरोबियन इंजेक्शन का क्या रोल है, कब कब लिया जा सकता है, किस क्वालिटी किस क्वांटिटी में लिया जा सकता है, इसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, मेथिकोबाल का आपके असाबी निज़ाम के ऊपर क्या असरात होते हैं, या मेथिकोबाल इंजेक्शन के साथ मेल इनफर्टिलिटी को कैसे टाइटल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस वीलॉग के अंदर ये बात करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी या मेल सेक्सुअल वीकनेस जो होती है उसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू है जिसको हम मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसमें आपको कोई मर्दाना वीकनेस है या आपको कोई असाबी कमजोरी है, तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर आपको नीम हकीम, जितने भी आपको डिफरेंट जगह के ऊपर आप कहीं भी सफर करें तो आपको दाएं बाएं राइट लेफ्ट हर जगह पे ये लिखा हुआ मिलता है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। फिर इसके साथ आपको इस तरह की और कई अबारतें मिलती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि मर्दाना कमजोरी का इलाज सिर्फ एक कैप्सूल से। फिर किसी जगह आप सफर करें तो आपको गाड़ियों में फकियां चूर्ण बेचने वाले भी इनफर्टिलिटी का इलाज करते हुए नजर आएंगे। लोग चूंकि ये समझते हैं कि जब आप किसी मुश्किलात का शिकार होते हैं, यानी आप मेल इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं या आप किसी भी मर्दाना वीकनेस का सेक्सुअल वीकनेस होती है या आपको मर्दाना ताकत या असाबी कमजोरी या बेउलादी जैसे जब मसाइल होते हैं, तो इस कंडीशन के अंदर लोग चूंकि आपकी जितनी भी आपकी ख्वाहिशात होती हैं उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। माई सेल्फ इज डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, आई एम कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट। मैं असल में लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ, चार जगह पे मेरी प्रैक्टिस है, सैकड़ों मरीजों का मैं मुआयना करता हूँ और डेली बेसिस पे ऐसे केस मेरे क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे रिपोर्ट भी होते हैं, हम उनको एग्जामिन भी करते हैं। इसी तरह लोग सोशल मीडिया के थ्रू फिर अपने जितनी भी उनकी हमारे साथ कनेक्टिविटी होती है, ऐसी कंडीशन में लोग हमारे पास किसी भी तरह कन्वर्सेशन भी करते हैं, मैसेजिंग भी करते हैं, कॉन्टेक्ट भी करते हैं, कॉल भी करते हैं और फिजिकली हमारे क्लिनिक पे विजिट भी करते हैं। उनके ये मसाइल होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो औलाद नहीं हो रही, या मुझे जो है कहा जा रहा है कि आपको असाबी कमजोरी है, या ये कहा जा रहा है कि आपके स्पर्म कमजोर हैं। मैंने ये रिपोर्ट भी करवाई है लेकिन उसमें कोई कहता है कि 50% होने चाहिए, कोई कहता है कि सीमन एनालाइज के अंदर आपके जो स्पर्म काउंट है वो 60% होना चाहिए, तो मेरा तो 20% है, 15% है या 10% है, तो क्या मैं औलाद पैदा नहीं कर सकता। तो उनके चेहरों के अंदर जो एक मायूसी हम फील करते हैं, तो बीइंग अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट एज ए डॉक्टर मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर जो होता है वो हमेशा आपकी जो है वो डीप थिंकिंग उसकी होती है कि वो एक डीप तरीके से आपके अंदर की चीज़ों को समझ रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो हम वो मायूसी जब उसके चेहरे पे देखते हैं तो फिर बीइंग अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने नॉलेज को उन लोगों तक इस तरह डिलीवर करना चाहिए ताकि उनको पता चले कि मेरे अगर कोई इस तरह का मसला है मुझे, मैंने इसका ट्रीटमेंट कैसे लेना, कौन सी स्पेशलिटी में लेना और क्या इसका इलाज है अभी या नहीं है। तो मेल इनफर्टिलिटी के अंदर मेथिकोबाल इंजेक्शन का क्या रोल है, नेरोबियन इंजेक्शन का क्या रोल है, कब कब लिया जा सकता है, किस क्वालिटी किस क्वांटिटी में लिया जा सकता है, इसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, मेथिकोबाल का आपके असाबी निज़ाम के ऊपर क्या असरात होते हैं, या मेथिकोबाल इंजेक्शन के साथ मेल इनफर्टिलिटी को कैसे टाइटल किया जा सकता है, ये सारे वो सवालों जवाब हैं जो पेशेंट रेगुलर बेस पे ग्राउंड रियलिटी में हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आके हमसे करते हैं। तो हमने फिर ये सोचा कि हम इसी को अपने वीलॉग की शक्ल में दें ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि अगर आपको असाबी कमजोरी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है या मेल इनफर्टिलिटी है, या आप ये समझते हैं कि मेरी जो सेक्सुअल पावर है वो वीक है, मैं किसी भी तरह का अगर कोई मलाप करता हूँ तो उसके बाद मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो जाते हैं, मेरी जान निकल जाती है, मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, ये कंप्लेन तकरीबन दुनिया भर में 50-60% लोगों की होती है। अब इस कंप्लेन के साथ जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होता है तो हम उसके बेसिक कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन लेते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं, उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं, ब्लड शुगर देखते हैं उसका, इसके अलावा हम बीपी को मेंटेन करते हैं, फिर हम उसके वाइटल साइन जितने भी होते हैं वो सारे लेके हम उसके साथ गुफ्तगू करते हैं और उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, फिर उसके साथ उसको मेडिकेशन भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम उसके साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो हम मेंटली तौर पे उस बंदे को उसकी बीमारी के बारे में आगाह करते हैं, फिर उसको उसका तरीका इलाज बताते हैं, फिर उसको उसका दौरानिया बताते हैं,
फिर उसको उसका डाइट पैटर्न बताते हैं और उसकी लाइफ मॉडिफिकेशन करके उसकी जिंदगी को आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। बीइंग अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट एज ए प्रैक्टिशनर क्लिनिशियन, मैं ये समझता हूँ कि अगर मेथीकोबाल एक इंजेक्शन जिसमें साल्ट यानी मॉलिक्यूल जो है वो मीकोबालामीन है, ये एक इंतहाई सेंसिटिव साल्ट है जिसको हम किसी ट्रिप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे जो कुछ लोग जो मेडिकल की होनो रखते हैं, इवन के कुछ कंसल्टेंट भी ऐसी हरकतें करते हैं कि वो सम कंडीशन में मेथीकोबाल इंजेक्शन दो दो चार चार पाँच पाँच आठ आठ दस दस एक ही ट्रिप में डाल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और ये कहते हैं कि सारी एनर्जी मैंने आपके अंदर एक ही दफ़ा डाल दी है, अब आपको कोई कमज़ोरी नहीं होगी, या कोई LHV है या किसी भी तरह का पैरामेडिकल स्टाफ जो कि इसकी इंटरनेशनल गाइडलाइन से वाकिफ नहीं है तो वो मेथीकोबाल इंजेक्शन यानी मीकोबालामीन का गलत यूज़ करते हैं जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली किसी को नहीं पहुंचता और वो समझते हैं कि मेथीकोबाल भी हमारा इलाज नहीं है। तो आज चूँकि इस वीलॉग के अंदर हमने मर्दाना कमज़ोरी को ट्रीट करना है मेथीकोबाल के ज़रिए, मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना है मेथीकोबाल और न्यूरोबियन के ज़रिए, इसी तरह आपकी जो मेल सेक्सुअल वीकनेस होती है या रिक्टाइल डिसफंक्शन है या आपके स्टेमिना के इशू हैं, इसको भी हमने मेथीकोबाल और न्यूरोबियन के थ्रू इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला होता है तो आपने किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, क्वालिफाइड बंदे के पास पहुंचें, अपनी हिस्ट्री बताएं, वो मेथीकोबाल का जब कोर्स आपको रिकमेंड करेगा तो 14 इंजेक्शन लगेंगे यानी 14 इंजेक्शन अल्टरनेट डे के ऊपर, एक दिन छोड़ के एक दिन, और ये इंजेक्शन आपको मसल में लगेगा। इसी तरह इसके साथ जो इसकी टेबलेट होती है जो कि 500 mcg उसकी पावर है, उसको हम सुबह दोपहर शाम में देते हैं। इसके साथ अगर ज़्यादा वीकनेस है तो हम अल्टरनेट डे के ऊपर एक दिन आपको मेथीकोबाल इंजेक्शन देंगे और दूसरे दिन आपको न्यूरोबियन इंजेक्शन देंगे, और इसी तरह मेथीकोबाल की जो टैबलेट है वो सुबह शाम देंगे और न्यूरोबियन की टैबलेट दिन में एक दफ़ा देंगे, और ये आप 90 डे तक कंटिन्यू रखेंगे तो मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल से आप छुटकारा पा सकेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो नीचे दिए गए स्क्रीन के कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी कंप्लीट डिटेल आप लोगों के पास मौजूद है। और आपको अगर ये हमारी वीडियो सुनने के बाद आपको ये फील हो कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने सर्कल में भी इसको भेजें ताकि जितने भी लोग हों उनको बेनिफिट पहुँच सके और उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो सके। थैंक यू सो मच।